रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम कंपैरिजन का मतलब होता है मुआज़ना करना, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से वो उससे बड़ी है, उससे छोटी है या उसके बराबर है। तो हम चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, मुआज़ना करते हैं। एक बात अपनी ज़िंदगी में याद रखें, कभी अपना मुआज़ना किसी दूसरे से नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर बंदे को मुनफरिद बनाया है और हर बंदे को खूबियों से नवाजा है। जब हम मुआज़ना करते हैं तो जो अल्लाह ने हमें खूबियाँ दी हैं वो हमारी नज़रों से ओझल हो जाती हैं। तो हमेशा जो अपने ऊपर नज़र डाल के अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बल्कि एक हदीस में आता है कि अगर तुम दुनिया में किसी को दौलत में या खूबसूरती में ज़्यादा देखो तो अपने से कमतर लोगों को देखो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। हो सक बहुत सारे अगर लाखों करोड़ों लोग हैं जो आपसे कम ज़िंदगी की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि हर बच्चे के हम सब के अंदर एक लीडर है। लीडर वो होता है जो पहल करता है, जो अच्छाई में, जो सच बोलता है। तो हम नंबर कंपेयर करते हैं और उसके लिए जब हम नंबर्स कंपेयर करते हैं तो हम बड़ा है, ग्रेटर दैन, लेस दैन या इक्वल के साइन इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ग्रेटर दैन जो है, इसका मुँह खुला हुआ मुंह जो है इसका बड़ी रकम की तरफ होता है। जैसे 37 इज़ लेस देन 80, तो 80 बड़ा है। 61 इज़ ग्रेटर देन 8, तो जो मुंह खुला हुआ है वो बड़े नंबर की तरफ होता है। ये एक टिप याद कर लें। और इक्वल, दो लाइनें बराबर हों तो इसका मतलब है दोनों बराबर हैं। लुक एट दिस एग्जाम्पल, लुक का मतलब होता है देखना, एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल। अब ये देखें कि ऊपर 3 ब्लॉक्स हैं और नीचे 2 हैं, तो 3 इज़ 1 लेस देन 2 इज़ 1 लेस देन 3। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 इज़ लेस देन 3। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है ऊपर 6 ब्लॉक्स बने हुए हैं और नीचे 5 हैं, तो 5 इज़ 1 लेस देन 6। तो हम इसको अगर साइन की लैंग्वेज में लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इज़ लेस देन 6। तो अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। इसके लिए आप एग्जांपल पे वीडियो रोक के खुद से सॉल्व करें और उसके बाद उसका हल देखें। व्हाट इज़ 1 लेस देन 4? आप ये 4 तक काउंटिंग करें, 1, 2, 3, 4, और एक लेस, शाबाश। ये तो बहुत आसान है, इसी सवाल में इसका जवाब भी लिखा हुआ है। तो 1 लेस अगर आप काउंट करेंगे तो वो हो जाएगा 3। 3 इज़ 1 लेस देन 4। अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को, अगली आने वाली को। तो आप देखें कि ये आपके सामने जो हैं वो 5 ब्लॉक्स हैं, तो व्हाट इज़ 1 लेस देन 5? तो नंबर, इसका जवाब भी इसी के अंदर है कि आप एक ब्लॉक कम गिनेंगे तो क्या जवाब आएगा, शाबाश। तो आपके पास जवाब आएगा 4, गुड। 4 इज़ 1 लेस देन 5। और हम इसको साइन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। अब हम अपनी अगली एग्जांपल की तरफ जाते हैं। आगे हमारे पास जो हैं वो 7 ब्लॉक्स हैं, तो व्हाट इज़ 1 लेस देन 7? ये तो बहुत ही आसान है, एक आप कम काउंट करें, शाबाश। उम्मीद है आपने अपनी कॉपी पे यहाँ पे वीडियो रोक के अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा। और शाबाश, 6 इज़ 1 लेस देन 7। तो आज हमने देखा कि कितना आसान है अगर आप पहले नंबर लिख लें। और फिर सिर्फ अल्लाह के नबी ने बताया कि दो सूरतें हैं जिसमें किसी पर रश करना चाहिए, एक जिसको अल्लाह ने दौलत दी और वो अल्लाह की राह में खर्च करता हो, और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने इल्म से नवाजा हो और वो लोगों को सिखाए। तो दोनों चीज़ें अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह वो हस्ती है जो हर एक को बेहिसाब देता है। हम अपने जैसे लोगों से तकवात लगा लेते हैं तो इलम सीखने से बढ़ता है, सिखाने से, तो दौलत भी खर्च करने से बढ़ती है।